जय हिंद दोस्तों। और आज 4 अगस्त 2022 को मैं सुबह सुबह आ गया हूँ। क्या नाम है आपका? आदेश नगर के अनिल बेरवा। अनिल बेरवा जी है ना? जी सर, जी सर, अनिल बेरवा। और इनका ये मकान अच्छा खासा बढ़िया। और यहाँ आ गया है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। और बाथरूम में ये इस जगह से ये देखो जरा टक रहा है, और यहाँ से बैठा हुआ है आराम से बहुत तरीके से, और बड़ा जबरदस्त रुद्र रूप में बैठा हुआ है। देखो आप, बिग साइज का है, बड़ा साइज है, लगभग होगा 10-12-13 साल का, और अच्छा यहाँ पर नाग है, बढ़िया क्वालिटी का नाग है, बहुत सुंदर। और मैं आया हूँ अकेला यहाँ पर, सावन का महीना चल रहा है। आप लोग सब यहीं रहते हो क्या? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। इसको रेस्क्यू करते हैं, देखते हैं कैसे रेस्क्यू करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तू पकड़ोगे कहीं पागल? और ड्रम रे पर। हाँ, इधर पकड़ो, मैं पकड़ लूँगा हाथ में। बालक इधर पागल, तुझे तो हाथ में इधर पकड़ ले। अच्छी पकड़ोगे। डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरो मत। सीधे 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 सीधे, वैसे मैंने बताया तुझे, पीछे चल जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से होता। ऐसे में बुलाता नहीं सर आपको, पर मैं भी सो रहा था। नहीं नहीं, जरूरी है। बहुत सुंदर शॉप है, बहुत बढ़िया। अगर आज शांत हो जाओ, तुम गले दिखे पे तो आके बैठ गया यार। सुबह सुबह मैं तो उठा ही था उस्ताद, मैं भी तो उठा ही था। उठाई था मैं, क्योंकि दूध की गाड़ी मेरे सुबह आती है ना, तो सुबह दूध उतरा के वापस हो जाता हूँ। अच्छा, उठाई था कि आपका टेलीफोन बच गया। दूध दूध पाना? अरे नहीं, दूध नहीं पीते ये तो? इनके शरीर में एंजाइम नहीं होता, इसलिए कैल्शियम नहीं पचा सकते ये, और दूध में होता है कैल्शियम। हाँ। ये सब बेकार की बातें, दूध दूध पीते करते हैं, बेकार है सब। अरे दूध इनका रिपब्लिक बावड़ी, अरे बेकार सब। ये नाग पंचमी पिलाते हैं दूध, इन जीवों को भूखा रखा जाता है 15-20 दिन तक, फिर इनके सामने जो भी चीज आती है उसको पानी समझ के पी लेते हैं ये। इनको क्या है, ये हरा कलर, लाल, पीला, गुलाबी ऐसे नहीं दिखता इनको, सफेद और ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, बस कलर ब्लाइंड होता ही है। बहुत सुंदर सा चंडा आप जाप करो, दूध दूध मां चंडा राम ढोल रहा गंदगी करे, पैसा खर्च करे फालतू सांप तो ना यार। ये देख, ये न पी तू, ढक्कन खोल दे इसको, अब आप तैयार है? उनको दे दो, छेद कर देंगे। चलो फिर बात हो जाएगी बाद में। अड्डी बना रहे हो? हैंडल
दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हमने आदेश नगर बी कौन सा पड़ता है छत्तीनपुरा क्या आदेश नगर बी शिव मंदिर के पास आदेश नगर बी शिव मंदिर के पास हमने यहाँ से पकड़ लिया क्या किन का मकान है हेमराज प्रजापत हेमराज जी प्रजापत के मकान से पकड़ा है और पुनर्वास हेतु इसको हम रणथंभौर के जंगल में छोड़ देंगे इससे इसका आगे का जीवन जिएगा तो इसके रिलीजिंग मिलते हैं तब तक वीडियो में बने रहें जय हिंद जय भारत और घर से बोलेंगे वंदे मातरम जय हिंद दोस्तों और फिर से हम आ गए हैं जंगल रणथंभौर अभ्यारण टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और साथ में लेके आए हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और आज 4 अगस्त 2022 और हमने सेवा दे दी है हमारे जिला सवाई माधोपुर में आदेश नगर बी उसके थोड़ा एंड में पड़ता है आदेश नगर बी के एंड में नई कॉलोनी है और वहाँ हेमराज जी प्रजापत के मकान में ये कोबरा आ गया था और बाथरूम में कपड़े टाँकने का जो पाइप होता है वो उन्होंने डंडा लगा रखा था उसके ऊपर बैठा हुआ था बाथरूम में और मुझे अनिल जी बेरवा ने मेरे को टेलीफोन किया और उन्होंने सूचना दी और मैं सूचना पे पहुंचा और मैंने वहां से रेस्क्यू किया बड़ा बिग साइज़ का नाग है और बड़ा ज़बरदस्त नाग है आपको दिखाते हैं और बहुत बढ़िया और अभी सावन का महीना चल रहा है और लोग बाग मशहूर है देखिए आप बड़े बिग साइज़ का नाग है और फन खोल के बैठा हुआ है देखिए आप बहुत सुंदर सा नाग है देखिए बड़ा सुंदर बहुत ही भव्य नाग देखो आप जबरदस्त नाग खतरनाक नाग है और बड़ा तो दोस्तों हम इसको छोड़ देते हैं और आपको दिखाते हैं इसको इसके प्राकृतिक माहौल में जाते हुए हो गजब एकदम से निकला है बहुत सुंदर वेरी नाइस मेरे दोस्तों मेरे अजीजों ऐसे बिग साइज के नाग बहुत कम देखने को मिलते हैं और दुनिया में इनकी तादाद बहुत कम हो गई है देखिए आप बहुत सुंदर नागराज बिल्कुल भी नाराज ना हो बिल्कुल नाराज होने की ज़रूरत नहीं है आप बहुत सुंदर वेरी बिग साइज ओहो ऐसे नाग बहुत कम मिलते हैं बहुत कम है ऐसे नाग दुनिया में देखो आप इसका फन देखो आप ज़बरदस्त फुफाड़ देखो आप ओहो गजब बहुत सुंदर दोस्तों ये सीन बहुत कम देखने को मिलता है मुझे काफ़ी कम देखने को मिला है ये सीन और मेरे दोस्तों मेरे प्यारों मेरे मित्रों ऐसे जीव दुनिया में बहुत कम बचे हैं और ऐसे कभी कहीं भी निकलते हैं तो उनको मारे नहीं यथावत स्थान जंगल में उनको छुड़वा दें देखिए आप बहुत शानदार बिग साइज वेरी बिग साइज और अच्छा खासा कोबरा है नीचे तक बैठा हुआ है जाओ दोस्त जाओ ओहो हे ईश्वर परमात्मा ऐसी पोजीशन तो देखने को बहुत ही कम मिलती है देखो आप जमीन से काफ़ी ऊपर कम से कम 1.5 फीट की तो पीपी है ये और खुद कम से कम 1 फीट है ओहो वेरी नाइस देखो आप ओहो जाओ नागराज जाओ जाइए जाइए जाओ जंगल आपका है और जियो अपना जीवन और मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो जाओ 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 बहुत सुंदर ऐसे नागों को बड़े हिसाब से छोड़ा जाता है जाओ जाओ छोड़ दो हमारी पीपी छोड़ दो हमारी बहुत हिसाब से टैकल किया जाता है ऐसे नागों को
क्योंकि ये कुदरत की अद्भुत और खतरनाक शक्तियों में से एक है। हो 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 हो, वेरी नाइस, दिल्ली जीत लिया इसने तो। ओ हो हो, देखिए सर, ओ हो हो, गजब 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 ही कर दिया इन्होंने तो, गजब, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ओ हो हो, लेंथ लेंथ भी बड़ी तगड़ी है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जाओ नागराज, जा सकते हो आप, जाओ जाइए जाइए जाइए, जाओ 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 जाओ। ओहो, ये तो और गुस्से में आ रहे हैं। अरे जाओ 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 जाओ, चलो चलो जाओ जाओ, चलो जाओ जाओ। रुपाओ मत यार, मेरे को अभी लेट हो रहा हूँ, सुबह सुबह का वक्त है, सुबह अभी तो सूर्य निकला है। जाओ 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 जाओ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखो कैसे एटन के साथ जा रहा है। ओह वेरी नाइस, ओहो हो, कुदरत की शक्ति, ओह अपरंपार, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ओहो हो हो, ओहो हो हो हो, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, इसने तो दिल्ली जीत लिया है, बहुत सुंदर। और वो निकल गया है, देखिए आप, ये छंड गया, ये पेड़ पे छंड रहा है, पेड़ पे छंड रहा है, पता नहीं क्यों छंड रहा है पेड़ पे। ओहो हो हो, ये से नाग अधिकांश पेड़ पे छंड जाते हैं। और देखिए आप, वो गया वो गया, और ये टॉप पे जाके बैठेगा, ये घबरा गया है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वो निकल गया। दोस्तों ये बिल्कुल टॉप पे जाके बैठ गया है, ये देखिए आप, वो बैठा हुआ है। तो हम इसको छोड़ के चलते हैं। अच्छा दोस्त, मिलेंगे फिर कभी, जिंदा रहे तो जियो अपने जीवन। तो मेरे दोस्तों, दिल बड़ा गदगद है, आत्मा बड़ी प्रसन्न है, और आनंद आ गया है बिल्कुल। कुदरत की शक्तियाँ देखने को बहुत कम मिलती है मेरे दोस्तों, ऐसे रुद्र रूप में मैंने बहुत कम नागों को देखा है, देखा काफ़ियों को है परंतु बहुत कम, क्योंकि मैं तो आए दिन ही पकड़ता छोड़ता रहता हूँ इनको इनके परिवास में। तो बहुत सुंदर रहा है अनुभव, और बड़ा आनंद भी आया, सुबह सुबह सावन के महीने में नाग देवता के दर्शन हुए हैं, और इस कुदरत की महाशक्ति है, मैं तो बहुत गदगद हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उस परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं तो डेली उठते ही, कि मुझे ऐसा सा काम सौंप रखा है उन्होंने। तो मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के फिर से विनती यही है, मेरा विनम्र प्रार्थना है कि ऐसे जीव जंतुओं को बचाएं, इनको मारें नहीं, इनको कुदरत के माहौल में छुड़वा दें। और मैं अनिल जी बेरवा का शुक्रिया अदा करूँगा, और हेमराज जी प्रजापत के मकान से उन्होंने जब सांप निकला तो उन्होंने मेरे को बताया, मैं उनको विनम्रता के साथ प्रमाण हमारे प्रणाम करते हुए उनको साधुवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस जीव को मारा नहीं, मना किसी से मरवाया, मुझे बुलाया, और यथावत स्थान हमने इसको छोड़ दिया। तो दोस्तों, इन्हीं साफ शब्दों के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही किसी जीव का संरक्षण करते हुए, उसका सम्मान करते हुए, उसको उसके माहौल में छोड़ते हुए, उसकी हेल्प करते हुए, मदद करते हुए, और उन लोगों का डर दूर करते हुए, उन लोगों का भय दूर करते हुए जहाँ पर ये भूले भटके आ जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम, जय जय।